Hi everyone, welcome back to the vlog. मैं बहुत जमाने बाद आई हूँ, तो मैंने सोचा यार कोई कंटेंट वंटेंट तो है नहीं, तो चलो यार कुकिंग ही कर लेते हैं, कुछ तो बनाते हैं मस्त. तो आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनीज और मैं तुम सबको दिखाऊंगी. सीन ऐसा है कि अब हमारे पास चिकन नहीं है. चिकन है, बोनलेस नहीं है, लेकिन अब हम उसको उबालेंगे. मतलब वो हड्डी वाली है, तो वो अम्मी करके देंगी. मैं सॉसेजेस भी डालती हूँ, तो हम ये भी यूज़ करेंगे और ओपा के कॉर्न जो ये सब भी यूज़ करेंगे. सामान मैंने थोड़ा बहुत निकाल लिया है और हम यूज़ करेंगे बिग बॉलर की टिक्का मैक्रोनीज और थोड़ी सी ये वाली भी. और मुझे फलक के मसाले इतने पसंद हैं, तो मैं इसका ये वाला एक नशवीला ही बोलते हैं ना गाइस, तो लोग बोलोगे प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया. और चिकन और एक मैं ये लेकर आई हूँ फलक का हॉट बीबीक्यू फ्राइज सीजनिंग. हमारे पास ना फलक के काफ़ी मसाले हैं. ये देखो फलक के ना बहुत सारे मसाले हैं, मुझे इतना पसंद है फलक, क्या बताऊँ. फलक तो मेरी जान हो. तो अभी कुछ सब्जियाँ जो हैं वो मैंने काट दी. सब्जियाँ क्या, मैंने अभी सिर्फ टमाटर काटे हैं, और टमाटर काटने के बाद मैंने जो सॉसेजेस हैं वो भी काट लिए हैं. आप देखें ये सॉसेजेस मैंने काट लिए हैं. सॉसेजेस काटने के बाद चिकन जो है मैं आपको दिखाऊं, चिकन रख दिए हैं थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम चिकन और इसमें मैरिनेट करके मसाला लगाएंगे, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे. और अभी तो शिमला मिर्च और गाजर है, वो भी काटना बाकी. ओ माय गॉड. अच्छा, तो मैंने मैक्रोनीज वगैरह सब बॉईल कर ली, चिकन भी बॉईल कर ली, मैंने मैरिनेट भी कर लिया. सो वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं. ओह, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो बनाने मुझे मसरूफ थी. ये देखें, मैंने यहाँ पे ये सॉसेजेस ली हैं और चिकन ली है, और मैंने इनमें अच्छा सा मसाला वगैरह लगाकर इसको मैंने मैरिनेट कर लिया. मसाला क्या लगाया है मैंने, नमक डाला है. नमक डालने के बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, फिर सोया सॉस डाले 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने ये चिली सॉस डाले, और मैंने फलक का ये नशवीला हॉट चिकन यूज़ किया है, और मैंने यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह भी सब काट के रखी हुई हैं. इस व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर की है 1xBet ने. 1xBet एक इंटरनेशनल कंपनी है जो 80 कंट्री में ऑपरेट कर रही है, और इसके 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं. यहाँ पे लाइव टूर्नामेंट भी चल रहे होते हैं, जैसे कि PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, लाइव क्रिकेट, जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं. मजे की बात है, यहाँ पे विड्रॉ और डिपॉजिट करना बहुत ही ईजी है जैस कैश के जरिए. और अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे आम ना, तो आपको मिलेगा 50,000 का बोनस. तो मैं अपने फर्स्ट कमेंट पे इसका लिंक डाल रही हूँ, जल्दी जाएं इस पे क्लिक करें, साइन अप करें और ढेर सारे पैसे कमाएं. चलो भाई अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर मैंने ये चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं अब ये फ्राई करूंगी. तो अब मैंने इसमें टमाटर डाले, इसमें मैंने अब टमाटर डाल दिए हैं. I'm a chef, wow. अब मैंने इसमें टमाटर जब डाले थे, तो उसके बाद फिर मैंने क्या डाला, मैंने अपना शिमला मिर्च थोड़ी सी और क्यूब्स में काट के ये अपना क्या कहते हैं इसे गाजर भी डाल ली थी. अब ये रही, अब हम एक काम करेंगे, जितनी देर में ये हो रहा है उतनी देर में हम ये बेक पॉलर की ये लेंगे, इसका जो हमें टिक्का फ्लेवर मिला था, और अपना मैदे या कॉर्नफ्लोर सा इसको मिक्स करके इसका हम पेस्ट बनाते हैं. अब हम लोग ने जो ये सॉसेजेस और ये अपना चिकन को फ्राई किया था, अब हम इसमें ये डाल देंगे. ऑन सीन हो गया गाइस, देखो. उसके बाद जो हमने ये कॉर्नफ्लोर और ये जो इसका मसाला था, हमने इसको मिक्स किया है, अब हम ये पानी में इसका डाल देंगे. टन टड़ा. अब हमने इसको थोड़ी देर ढक दिया था. अब मैंने ये ढक दिया, अब मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरी अम्मी ने देखा तो मेरी अम्मी बोलेंगी कि जब भी तुम कोई काम करती हो किचन में, किचन तुम ऐसे फैलाती हो जैसे पता नहीं क्या, मतलब समझ जाओ ना अम्मा वो डायलॉग बोलता है. तो मैं अब फटाफट से किचन साफ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है. एक मिनट, मुझे अभी याद आया कि मैंने अपनी 2 फेवरेट वेजिटेबल्स तो डाली ही नहीं है, ये और दूसरा ये चीप. ये अच्छे से यहाँ पे मतलब जो भी आप लोग इसको बोले हो चुका है. अब हमारे पास लास्ट फाइनल है, अब हम अपनी मैक्रोनीज इसमें डाल देंगे. कैसा मस्त है ना ये,
देखो तुम सबको मैं कितनी अच्छी रेसिपी बता रही हूँ, तुम लोगों को मुझे मालूम है टके की समझ नहीं आई होगी, लेकिन कितनी मज़े की है ना। ऐसे आप ट्राई करो और सॉसेजेस ज़्यादा करो, केनेंस के जो छोटे वाले आते हैं ना ब्रेकफास्ट वाले, वो वाले बड़े मज़े के होते हैं। अब हमने अपनी मैक्रोनीज डाल दी, अब हम इसको अच्छे से चम्मच वम्मच चला के ढक देंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो आ जाए। और पता नहीं यार कैसी बनी होगी, मुझे खुद नहीं पता क्या ही बोलें। गाइस मस्त तरीके से ना एकदम उबल चुकी है मैक्रोनीज, और सीन ऐसा है कि मुझे भी सीन नहीं पता यार। आप लोग मुझे बताओ ना मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ नेक्स्ट, क्या बनाऊँ खाने में। आई एम अ कुक, ओके आई एम अ कुक। ओके गाइस टन टडा, मस्त PSL चल रहे हैं जो कि मैं अलिफ और बे भी नहीं देख रही हूँ, और पीछे से मेरा भाई ऐसी डीलिंग कर रहा है कि जैसे पता नहीं बड़ा बिजनेस मैन है, जबकि नहीं। ये देखें यहाँ पे PSL चल रहा है, माय गॉड। तो मेरा जो भाई है वो बातें कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिजनेस मैन भागो। दोस्तों तैयार हो चुकी है, और मुझे ये हरी प्याज इतनी पसंद है तो मैंने हरी प्याज से इससे गार्निश कर ली है ऊपर, और अब मैं ये निकालूंगी मतलब डिश में और किस पे निकालूंगी, देन अब मैं इसको खाऊंगी और घर वालों को भी खिलाऊंगी ये पार्टी। तो गाइज मैक्रोनीज बन गई है, नासिर भाई मैक्रोनीज खाएंगे? मैं बड़े शौक से खाता हूँ मैक्रोनीज, तो क्या बात खाएंगे? है बस अभी तुम लेकर आओगी जब भी तो खाऊंगा, तो इसमें से टेस्ट करके देख लें कैसे बनी है। बहुत असल में वो PSL देख रहा था आपको, ये दाल वाल भी आई है कहीं से, तो पापा पापा बिल्कुल मेरे पापा हैं तो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग तो आएगी ना। बहुत जबरदस्त। अब मैं बैठी हुई हूँ बिल्कुल फारिग, मैं सोच रही हूँ कि सोच कह रही हूँ सोचना नहीं है, मतलब ये कि मैंने अभी तक इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, मुझे इशा की नमाज़ पढ़नी चाहिए बिल्कुल। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं और क्या व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मुझसे अम्मी कहती हैं व्लॉग करा करो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं किस चीज़ पे व्लॉग करूँ। मेरे दोस्त भी इतने वेले कहीं बाहर जाते नहीं हैं कि हम कहीं बाहर का व्लॉग कर लें, और शादियों का व्लॉग बंदा कितना ही बना ले। तो अब मुझे लगता है कि बंदा रेसिपीज़ बनाए व्लॉग बनाए और क्या करे बंदा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, पागल हूँ मैं।